वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है शेफ शाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो शाजिया जी? मैं बिल्कुल, दैट्स गुड। और आज आप माशाल्लाह शाजिया के बारे में कि पेस्ट्री शेफ भी हैं, लेकिन और भी मजे मजे यमी किस्म के खाने भी बनाती हैं। आज डिश का नाम क्या है शाजिया जी? चिकन वेजी पॉकेट्स बना रही हूँ और चिली विंग्स बना रही हूँ। चिली विंग्स एंड चिकन वेजी पॉकेट्स, वाह भाई वाह, ये तो बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश होगी। थैंक्स, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। यू आर माय गेस्ट। और देखते हैं ये किस तरह के यमी यमी खाने साथ गुफ्तगू चलती रहेगी। अच्छा, सबसे पहले इस डिश का नाम जिस तरह चिकन वेजी पॉकेट्स है, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले हम चलते हैं डिश की तरफ। जी जी, ये अंडे हैं, 3 eggs। अच्छा, 3 eggs हो गए। ये 1 cup मैदा है और क्यूब्स, ये है क्या नाम है, बॉयल चिकन है और ये कैप्सिकम है, ये ग्रीन अनियन है, ये गाजर है, कैरेट है और ये नूडल्स में एक साशा आता है टेस्ट मेकर, ये वो है, ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये काली मिर्चें हैं और ये नमक है और ये बेकिंग पाउडर है और ऑयल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसके दोबारा से बताती हूँ। इन्होंने कुछ चिकन के पीसेस किए हैं बॉईल करके, ठीक है गुड़िया। अच्छा, ये हमने इसको देख लिया, एक पाव के करीब, आपकी मर्जी, आपकी डिश के मुताबिक। फिर इन्होंने जो है शिमला मिर्च को बड़ा चॉप और बड़ा खूबसूरत अंदाज में इन्होंने किया है। फिर नेक्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट्स है गाजर, जी हाँ, ये कैरेट जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है चॉप की हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है हरी प्याज है और ये जो है ये भी उसी तरह चॉप की हुई है। फिर हरी मिर्च को भी बड़े प्यारे तरीके से इन्होंने कटिंग की है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो है ये हमारे पास आटा, मैदा है हमारे पास, इन्होंने इसमें भी इसमें यूज करना और इसमें एंड में वाटर और फिर पानी और इसके अंदर 3 अदद अंडे जो अभी बीट होंगे। अच्छा, ऑयल भी है, ये भी रख दिया हमने, इसको भी अब इसका यूज होगा। अब इसके अंदर जो हल्के फुल्के जो हम लोग टेस्ट के लिए मसाले यूज करते हैं, जिसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च है, 1/2 teaspoon कर दें, ठीक है, कुटी हुई मिर्चें 1/2 teaspoon एंड हस्बे जायका नमक, हाँ नमक, और बेकिंग पाउडर 1 teaspoon, ठीक है, और ये 1 sachet नूडल्स में जो आता है जो टेस्ट मेकर में, यस, बड़े जबरदस्त यमी हो तो बच्चे बड़े पसंद करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसको एग्स को बीट करना होगा। अच्छा, एग्स को बीट करना होगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 by 1, ओके, ये 3 eggs बीट होंगे, ओके, अच्छा, ओके, यस, नेक्स्ट हमने 3 अंडे ले लिए, हमने 3 अदद अंडे ले लिए, उसके बाद हमने इसको बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फॉर्मिंग स्टेज में आ जाए, ओके, तो इसके अंदर ऑयल जाएगा, जब ये फॉर्मिंग स्टेज में आ जाएगा तो इसका ऑयल जाएगा, ओके, और हमने सेमी शेकर को प्री हीट कर लिया है, फिर हम इसे ग्रीस करके चला। अच्छा, बड़ा फ्लफी हो गया है, इसे फॉर्मी फॉर्म में लेके आओ। मुझे इतना शोर कर रही है, देखो मैंने आवाज बंद कर दी है इसकी और बीट फिर भी हो रहे हैं, यस। अगर हम इसको थोड़ा सा बर्तन से ऊपर उठा के रखें तो ये आवाज बंद हो जाएगी और क्लियर। ये देखो वॉक ही नहीं है और बड़े जबरदस्त हो गया जी, बस गुड हो गया, बस जी हो गया। तो ये ऑयल आएगा, डालो ऑयल डालो, यस, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सब ऑयल जाएगा, यस, दैट्स गुड। थोड़ी अपनी सिस्टर की हेल्प करवा लिया करें आप लोग तो ईजी हो जाएगा। यार ये तो बड़े जबरदस्त क्रीमी हो गए, मेयोनीज टाइप का हो गया, हमारी नाजिम को हमारी आवाज भी नहीं जाएगी। अब इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जाएंगी, ओके, 1 by 1 हमने सबसे पहले इसमें ग्रीन अनियन डाल दी हमने, ठीक है, और इसके अंदर गाजर जाएगी, कैरेट जाएगी 1/2 cup, कलरफुल लग रहा है ना जी, oh, और इसके अंदर ये जाएंगे ग्रीन अनियन जाएंगे 1/4 cup है। तीन ये चीजें है ना जिंदगी का आप हिस्सा बना लें, और ये सारे मसाले जाएंगे, ओके, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं मिर्चें, ठीक है, एक बार फिर कुटी हुई मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं और खास अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये ग्रीन चिली मत डालिएगा, ठीक है।
आजकल के बच्चे ना खा लेते हैं। अच्छा। और नौ में हैरान हूँ, अभी छह महीने का बच्चा है और मैं हैरान हूँ कि बिरयानी खा रहा है। मैंने कहा कि उसको टेस्ट, उसको मतलब मीठा पसंद नहीं। अच्छा। सुन के मेरे भांजा है, उसके बेटा है वकास का, हमजा, हमजा मेरे शत के जो दिल करता है उसको मैं अपने दिल में डाल दूँ। इतना क्यूट। अब इसके अंदर ये मैदा जाएगा। ओके, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे हम। यस, इसको बीट तो नहीं करना? नहीं नहीं, इसे बीट नहीं करना। इन सब फिर उठा लूं मैं, बीटर उठा लूं मैं फिर दोबारा। ओके, वाओ जबरदस्त। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप वाटर मिलाएंगे। वो इसलिए मिलाएंगे, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि अच्छा। इसलिए क्योंकि इतना देखें आप गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। मैं समझ रही हूं, देख तो। अब इसके अंदर हम वाटर मिलाएंगे। अच्छा, इसको स्टफ कर सकते हैं कि ये एक मैटर रेडी हो गया है। अच्छा, लिक्विड ही होना चाहिए या थिक सा होना चाहिए? ये बस 1/4 कप आएगा तो ये बस नॉर्मल। अगर दूसरा टीस्पून टी ले लें तो ज्यादा अच्छा नहीं, उससे ज्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा। एक स्पून ले लो, एक स्पून देना मुझे जी। नाजिर आप देखिए इतना जबरदस्त इसका वो बन गया है। यस, इससे जरा इसका ये बेचारा मेरी इतना यूं यूं हो जाता थोड़ा सा। यस ओके, व्हाट इज दिस? अच्छा ये हो गया। अब मुझे इसको देखें, सही बताया ना मैंने जी, कुछ थोड़ा मैं सिखा देती हूँ लोगों। इसमें मुझे लग रहा है और वाटर की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा सा, यानी कि हाँ, लिक्विड ही थोड़ा सा, थोड़ा सा। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसका क्या है? बस इसको इस ग्रीस करेंगे। ग्रीस, ओके, वो भी बहुत हॉट हो गया। बहुत जी, इन्होंने जो है ना सेकंड वर्किंग शुरू कर दी है नाजिन। बस ये इसके अंदर जो आएगा। ओके, यस बिस्मिल्लाह। यस, अब आप देखेंगे कैसे इन्होंने लिया, गुड हो गया जी। वाओ बिस्मिल्लाह रहमान। फर्स्ट टाइम पर हम इस वक्त जो है एक डिफरेंट चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इसकी डिश का नाम है चिकन वेजी पॉकेट्स। चिकन वेजी पॉकेट्स, यस, इन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त यमी सा बना रही हैं। वाओ, ऐसे बंद कर देंगे ये। वाओ जबरदस्त। अच्छा, इसका कोई टेम्परेचर वगैरह भी नाज़िम को जैसे बता सकते हैं? ये क्या नाम है, ग्रीन पे आएगा तो हो जाएगा, लेकिन हल्का हल्का फिर भी रहता है। चले हम नेक्स्ट चलें क्या अभी इसके ऊपर, नेक्स्ट डिश के ऊपर? ये जो अच्छा ये जो ये बना के लेकर आई, जब तक ये बनता है हम आपको इसका भी रिजल्ट बता देते हैं। अच्छा, ये है चिली विंग्स। चिली विंग्स से ये ओवरनाइट मैंने मैरिनेट की है। इसके अंदर आधा किलो चिली ये विंग्स गई हैं, और इसके अंदर काली मिर्चें कुटी भी काली मिर्चें गई हैं। वन टीस्पून नमक गया है, सिरका 1 टेबलस्पून गया है, 1 टीस्पून नमक गया है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर गया है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन गया है, दही 2 टेबलस्पून गई है, 1 एग गया है। ओके, और तमाम इन्ग्रीडियंट्स इन्होंने रात को लगा के इसको मैटर को रेडी करें, ताकि इसके अंदर जूसी और यमी सा टेस्ट आ जाए। तमाम इंग्रेडिएंट्स इन्होंने डाल दिए, साथ साथ अभी जब ये पकता रहेगा तो हम आपके इंग्रेडिएंट्स को अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमने ऑलमोस्ट इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरनाइट मैरिनेट करना बहुत जरूरी है, इससे ये जूसी बनेंगे और मजेदार भी बनेंगे। क्या बात। अच्छा, दोबारा इसको कुछ कोटिंग डायरेक्ट डालना है। इन्होंने सब कुछ पहले से ही रात ही में कर लिया था। यस जी, ये है चिकन विंग्स, चिली विंग्स, चिकन चिली विंग्स। इसके साथ हम क्या, केचप, 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 केचप से सर्व कर रहे हैं। मज़ा ज़्यादा अच्छा आएगा जी, क्योंकि ऑलरेडी चिली है काफ़ी। बस इतना ही डाले, बस 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 बस। अब इसको थोड़ी मतलब नेक्स्ट उसमें, ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्योंकि स्पेस। अब आप इसको चेक कर लीजिए। नहीं अभी हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ, जब तक हम इसको देखते हैं। That's good. साथ साथ जी नाजरीन आपको ओके जी। अच्छा, एक बार हम चाहेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स को आप दोबारा बता दो। पकेंगे इसको मैक्सिमम कितनी देर लगेगी? ये बस गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फ्लेम उसको हाँ। फास्ट करनी है फ्लेम को, थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ी सी फ्लेम फास्ट कर लें। ये आधा किलो मैंने विंग्स लिए हैं, उसके अंदर काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च, लाल पीसी हुई मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन 1 टीस्पून। घर में जो मुझे लग रहा है जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वो इसके अंदर, इसके अंदर मेन। मतलब आपने क्या किया, जो आप वो जो
मेन लगा है वो छक्का वो ये कि रात सारी रखने पर जी सारी रात जो सारे उसके अंदर जो है जितने इंग्रेडिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो गए उसकी वजह से उसका जो है ना फ्लेवर मजे का आएगा। और 4 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर है और 1 एग है। जी डिशेस के नाम एक बार फिर दोनों बता दे कौन कौन से आपने डिश बनाई है। ये चिकन वेजी पॉकेट्स हैं, ये जिसमें क्या क्या डाला है वो भी बता दीजिए। अच्छा इसमें 1 कप मैदा है, इसमें 1 टीस्पून नमक है, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून और बस ये। अच्छा शाजी कितने टाइम से काम कर रहे हैं बताओ। मैं मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक है, डिशेज इतनी अच्छी बन गई है और लाइव हमने मुझे कुकिंग और बेकिंग का दोनों को बहुत ज़्यादा शौक है। मैं घर पे भी करती हूँ, हाँ मैं घर में करती रहती हूँ दोनों चीजें। जी ऑर्डर्स आते जी बिल्कुल आते, मैं ऑनलाइन काम किस नाम से ऑनलाइन आपका डफी एंड लाइट है मेरा पेज, डफी एंड लाइट है इंस्टाग्राम पे। क्या बात है, आप जाएंगे पेज के ऊपर लाइक करें शेयर करें और जो है ऑर्डर्स भी करें। सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किस टाइप के आते हैं। मैं कस्टमाइज फॉन्डेंट केक्स पे काम करती हूँ, तो बस ये है कि केक्स वगैरह पे ज्यादा करती हूँ। आप घर पे बर्थडे कब हो रही है मेरी तो 14 अगस्त निकल गई, अब मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी जरा से सबर कीजिए, तो अभी हम फिर 25 हम इसको स्पून से जो है शिफ्ट करेंगे, ऑफकोर्स जरा सा इसका टर्न करेंगे। वाह भाई वाह, विदाउट एनी नीचे चिपके भी नहीं है यार, जबरदस्त और इतना जब हम जरा सा क्विकली एक अच्छा सा जी इसको देख रही थी। देख लो नहीं अभी थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा सा रह गया, छोड़ थोड़ा सा छोड़ दे इसको, कोई मसला नहीं। आप दूसरी वो प्लेट इधर लेकर आ जाए, जो मेरे हमें विंग्स चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती है इसीलिए हमारी जो शाजियाँ हैं लाइव इधर लेकर आ जाओ, यहीं पर लाइव बनाओ पता चले ना आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। ये मैं आ जाओ कम यस जी लेकर आ जाओ यस। ये देखें जी हरा जो है उसका तो मजा ही, सलाद पत्तों का तो कसम से कोई जवाब ही नहीं। सारी रात हुए हैं तो ये बहुत प्यारा, नहीं ये बहुत आपने बहुत प्यारा किया और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है जी। नाजिन शाजिया खान ने आज जो है ना वो कमाल कर दिया है और ज़बरदस्त जो डिश है वो बन गई इस वक्त। अच्छा आपने दो चीज़ें और मैंने छोड़ दी, मैं भी नाजिन और इसमें ऑरेंज पिंच कलर भी डाला है जिससे ये इतना अच्छा कलर आया। अच्छा ऑरेंज कलर जी, फ्रूट कलर जी, ऑरेंज पिंच कलर डाला है मैंने इसके अंदर। चले जी हमने आपकी थोड़ी सी गार्निशिंग में आड़ डाल दी, अल्लाह खैर करे। दैट्स गुड, काफ़ी अच्छा। चलिए इसमें डाल देना यस यस। ये देखें जी नाजी इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और लाइट थोड़ा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, ओके स्लो कर दें स्लो गैस से को ओके। शाजिया खान ने आज जो है चिकन चिली विंग्स बनाए हैं और ये ज़रा स्पाइस की तरफ होंगे, ये समझ आ रहा है मेरा दिल बा खुदा कर रहा है कि मैं उठा के और मैं चख लूँ मगर मेरा मूड जग जाएगा और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी हमारे पास दे हैव इट डन जी ओके, हम दूसरा भी उन्होंने डालना शुरू कर दिया। अब इसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दें, मेरा दिल कर रहा है मैं क्या करूँ, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं ओके थोड़ा सा। ओ बात सुनिए, फिश का टेस्ट क्यों आ रहे हैं, तो मज़े का लग रहा है। अच्छा मेरी आप यू मस्ट बी ट्राई, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आप फिश के पीसेस खा रहे हैं, बहुत मजे का। आप इस साइड आ जाओ, अब इसको लास्ट हम इसको डन कर देते हैं शाजिया जी। ये इसके लिए मुझे प्लेटर चाहिए होगा, आपको प्लेटर ये ले लेना मुझसे ले लें, ये ले लें तो इसको हम ये इसमें थोड़ा मुझसे लग गया है आटा ओके। अच्छा ये वाले हो गए जो हो गए इसी पे अगर हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं ना चंदा जी वो ज्यादा बेहतर है। खूबसूरत प्लेट ऑलमोस्ट डन हुई भी है तो हम इसी को कर लेते हैं जी। नाजिन आज हमारा सारा आटा हो गया, अल्लाह ना खैर करे आज हम आटा बाटा हो गए यस, बहुत मजे का भाई आप छोड़े मुझे तो खाने के, ये भी बहुत ज्यादा मजेदार होंगे। वाओ भाई क्या हो रहा है आज हमारे किचन में, शाजी आपने रौनक लगा दी। बस ये एक साइड से हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ रख देते हैं, बहुत प्यारे इस प्लेट पर लगेगा यहाँ साइड की।
मेरी शहजादी लेके आई हूँ। एक मिनट में आपको बताती हूँ जी। शाजिया खान ने जो आज माशाल्लाह डन कर लिया है चिकन चिली विंग्स विथ सैंडविच, कौन से वेजिटेबल? हाँ ये चिकन वेजी पॉकेट्स हैं, वो चिली विंग्स हैं। दोनों डन हो गए जी नाज़रीन। शाजिया आपका बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हो, कुछ बात करना चाहते हो? मजा तो मुझे बहुत आया, मुझे आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया और शो में आके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक अपनापन सा लगा मुझे। और ये मेरा फर्स्ट शो है आपके। आप कितना डरी हुई थी? बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत थी। मैं कैसे बनाऊंगी? लेकिन आपने बहुत इजीएस्ट बनाया है और बहुत, मतलब इजीएस्ट, इट्स मीन तो घबराए नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। और मेरी दुआ है कि आपका जो जब आप ऑनलाइन पेज है डेफी एंड ग्लाइड, जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर और लोगों को डिफरेंट लोगों को एंटरटेन कर रहे हो और अल्लाह पाक इस रोजगार में मजीद 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 इजाफा करे। थैंक्स फॉर कमिंग वीनू शो। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है जी। नाज़रीन दे आर रेडी। दो डिशेज आज बनी और मुझे बहुत मजा आया, रियली सच का। हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।